गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट, ठीक है। हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं और हम इसको अच्छे से पढ़ने की ट्राई करेंगे। ओके, दो मिनट वेट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं जी। गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी सर। तो आई होप कि वीडियो और साउंड दोनों क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, क्लियर है बच्चे? वीडियो और साउंड दोनों क्लियर होंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बेटा, हम करेंगे क्या, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको हम बोल देते हैं RAC, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से चीजों को करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चीजों को समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, देखो भाई साहब, हम इंसानों को चाहिए एक बहुत ही अच्छी चीज कि कंफर्ट, आराम चाहिए हमें। उस आराम में हमें ये चाहिए कि जो हमें अच्छा लगे, देखो जो चीज हमें अच्छी लगे, जिसके कारण हमें आराम मिले, वो हम काम करना चाहते हैं। अब आराम जब मिलता है तो देखिए, आप नोट कीजिए कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो इतनी सर्दी होती है कि हम तंग हो जाते हैं। अगर गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ती है कि हम तंग हो जाते हैं, हम दोनों तरफ तंग हो जाते हैं। तो हम करें क्या, हमें चाहिए बेटा कंफर्टेबल जोन। देखो बात सुनना, बड़े ही ध्यान से चीजों को सुनना ताकि आपको बात समझ आ सके ये हो क्या रहा है। हमें चाहिए कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, जहां जाकर हमें सांस अच्छी आए, आराम आए, है ना। तो हमें आराम चाहिए, आराम, ठीक है। अगर कहीं से कुछ गलत लिखा जाए तो देख लेना बेटा, हिंदी काफी टाइम बाद लिख रहे हैं, आराम चाहिए, ठीक है, आराम, आराम चाहिए। अब इस आराम के चक्कर में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेम्परेचर सही, जो हमें अच्छा फील दे। हमें चाहिए टेम्परेचर और हवा और हमें ह्यूमिडिटी, तीन चीजें बहुत ही जरूरी है। टेम्परेचर सही होना चाहिए जहां पे हम बैठे हैं, वहां की हवा साफ सुथरी होनी चाहिए, हवा आ रही हो, थोड़ी सी फ्लो भी कर रही हो, और तीसरा हमारे पास है ह्यूमिडिटी कि उसमें नमी की मात्रा। अब ये नमी की मात्रा क्या है, और हवा में नमी होती है क्या? जी भाई साहब, हवा में नमी होती है, और ये नमी की मात्रा भी डिपेंड करती है कि कितनी है। अगर अच्छी क्वांटिटी होगी, ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, तो हमें अच्छा फील होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, गर्मी के दिनों में, अब मुझे नहीं पता, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां हमारे नॉर्थ इंडिया में चलता है जो एयर कूलर चलते हैं, एयर कूलर देखे होंगे आपने, तो उसमें पानी गिरता रहता है लगातार, और उसके आगे पंखा लगा होता है। तो भाई साहब, एयर कूलर में अगर आप बैठोगे ना, तो धीरे धीरे वो क्या करता रहता है, हवा में नमी की मात्रा बढ़ा के हमें देता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है चिपचिप सा होना स्टार्ट होता है, बॉडी को ऐसा अजीब सा फील होने लग जाता है कि अजीब सा है, नमी की मात्रा बढ़ गई। तो हमें तीन चीजों को कंट्रोल करना है भाई साहब, क्या करना है, एक तो है कि टेम्परेचर सही होना चाहिए, टेम्परेचर, बात समझ लेना, ताकि आपको बातें आगे जाने में कोई भी चक्कर ना हो, टेम्परेचर सही चाहिए। एयर जो है वो चाहिए अच्छी, एयर चाहिए जैसे क्लीन एयर कह सकते हैं, साफ सुथरी हवा होनी चाहिए, और तीसरा हमारे पास है कि ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में होनी चाहिए, नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी जो है, नमी की मात्रा जो है वो भी सही होनी चाहिए, नमी की मात्रा, बात समझ रहे हो, देखो ये भी सही होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें हमारी सही हो जाती हैं तो हम कहते हैं आहा, मजा आ गया। और सच में यार, ठीक है, जब एसी नहीं था हमारी जिंदगी में, ठीक है, हमें घर पे तो नहीं था भाई साहब, एसी नहीं था,
तो जिस घर में अमीर घर में जाते थे ना और वहां पे एसी चल रहा होता था ना, ऐसे लगता था कि भाई इसी के पास जन्नत है, हम तो ऐसी जी रहे हैं जिंदगी, जन्नत तो इसके पास है। तो जब जाते थे वो क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें हवा मिल जाए तो हमें मजा आ जाता है। ठीक है, तो वो मजा लेने के चक्कर में ये सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि इंसान को मजा आ जाए। और सच में बता, इसके ऊपर आज चाहे प्राइवेट नौकरी में भी जाओगे तो आपको वहां पे अलग से एक करियर होता है इसका, कि आप अपनी जिंदगी जो है इसी में बना सकते हो, रेफ्रिजरेशन वाले में। आप देखोगे कहां नहीं आज एसी लगा हुआ, हर जगह पे एसी लगा हुआ है, कहां फ्रिज नहीं है, कुछ एरिया है जहां पे अभी भी फ्रिज वगैरह नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम ज्यादातर बात करें शहरों की बात करें तो वहां पे हमारे पास फ्रिज सबके पास आने लग गए और एसी भी बहुत सारे घरों में आ चुके हैं। तो इनके चक्कर में अब इनकी मेंटेनेंस इसका काम वो बहुत बढ़ चुका है। तो हमें इस चैप्टर में समझना क्या है कि भाई साहब इंसान को आराम कैसे दिलाया जाए, आराम कैसे दिलाया जाए, यही हमने समझना है। देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स में आईसी इंजन में क्या समझा कि इंसान को आराम से बैठकर कहीं लेके जाया जा सके, पावर प्लांट में क्या समझा कि इंसान को बिजली मिल सके, घर में आराम कर सके, और हम अब समझ क्या रहे हैं कि इंसान घर पे बैठ के सांस ले सके अच्छी वाली, आहा एसी चल रहा है। सब कुछ तो इनको दे दिया कि हमने इंजन बना के दे दिए कहीं भी जा सके, हमने उनको बिजली भी दे दी ताकि इलेक्ट्रिसिटी बन सके, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिल सके, हमने उनको एसी की ठंडी हवा भी दे दी, और सालों को क्या चाहिए। ठीक है, और फिर कह देंगे इंजीनियर ऐसे ही है, इंजीनियर ऐसे नहीं है, इंजीनियर्स ने भाई साहब आपको सब कुछ दिया है, इंसानियत को सब कुछ दिया है, वो अलग बात है कि हम हमारी कदर नहीं जानते वो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बात थोड़ी सी फीलिंग लेके समझना, अगर आपको फीलिंग आएगी सब्जेक्ट की कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम मैं करूंगा, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, अगर तो बेटा सिर्फ आपका मकसद है कि सर मुझे तो बस पेपर पास करना है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपके दिमाग में सर मजा लेना है तो मजा लेने के लिए आओ, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात होने वाली है। देखो अगर आपको समझना है तो एक ही चीज समझ लेना, देखो मैं आपको चीज बताता हूं एक छोटी सी चीज, और उसको अगर आप समझ गए तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक मान लीजिए एक रूम बना लेते हैं, ऐसे एक रूम बना लेते हैं कि ये रूम है मान लीजिए, ठीक है, इस रूम में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास चक्कर सबसे बड़ा पड़ता है हीट का, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा कि जहां पर हीट होगी, जहां पर हीट होगी, हीट क्या है, हीट एनर्जी है, हीट क्या है, एनर्जी है, हीट एनर्जी, जहां पर हीट एनर्जी होगी वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे हीट एनर्जी है। और बेटा हीट एनर्जी हर जगह पर है, हीट एनर्जी कहां नहीं है ये बता दो, हीट एनर्जी हर जगह पर है, बस डिफरेंस ये है कि कहीं पे हीट एनर्जी ज्यादा है और कहीं पे हीट एनर्जी कम है। एक रूम है जिसके अंदर हीट एनर्जी है और इसके अंदर भाई साहब एक यहां पर आपने बैठना है, यहां पर आपने बैठना है, लेकिन इसके अंदर हीट ज्यादा होने के कारण, इसके अंदर हीट ज्यादा होने के कारण आपका दिल जो है वो खुश नहीं है, आपका मन जो है वो खुश नहीं है, उदास हो रखा है। क्यों? क्योंकि एक ही रीजन, क्या कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, और हीट अगर ज्यादा होगी भाई साहब आपको गर्मी फील होगी, आपको लगेगा यार बहुत बुरा हाल है, पसीना आ रहा है, बहुत बुरा हाल है, मजा नहीं आ रहा। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हीट यहां भी है रूम के अंदर भी और हीट बाहर भी है एनवायरमेंट में। गर्मी के दिन चल रहे हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, मान लेते हैं आप, मुझे नहीं पता आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, तो मान लेते हैं हम तो यहाँ का समझते हैं, तो भाई साहब यहाँ तो 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है, ठीक है, यहाँ का 45-50 डिग्री आराम से पहुंच जाता है हम जिस एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। और हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक ही बात समझी थी, एक बहुत ही खास बात समझी थी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने ये समझा था कि हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट एनी हेल्प।
विदाउट एनी हेल्प। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट अपने आप फ्लो करती है विदाउट एनी हेल्प, उसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो हम अभी ये कुछ ऐसा करें, गेम खेलें, कोई गेम खेले कि यहां की हीट उठाकर बाहर फेंक दे। अगर ऐसा कर सको कि यहां वाली जो हीट है जो दिख नहीं रही हमें लेकिन है, यहां वाली हीट उठा के इसको चल 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 बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, बस इतना सा काम। यहां वाली हीट जो है उसको और उठाओ और उठा के निकाल निकल 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 यहां से निकल 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 बाहर जा, और यहां वाली हीट यहां से उठाकर और बोले कि चल 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 निकल यहां से निकल यहां से निकल बस। और जैसे ही ये काम होता है तो ये इंसान जो है वो खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास हीट कम हो गई। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, हीट कम हो गई। हीट कम हुई तो टेम्परेचर कम हो गया, सिंपल सी बात है बेटा, चाय है, चाय गर्मा गर्म चाय पड़ी है, उसके अंदर हीट एनर्जी है, आपने हीट एनर्जी डाली है, आपने खुद उसके अंदर हीट एनर्जी डाली है। जब आप रखोगे तो आप चाय का कप रखोगे तो चाय के कप में से हीट निकल के बाहर अपने आप जा रही होती है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि चाय ठंडी हो गई है, हीट एनर्जी उसकी बाहर निकल गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, यहां का हीट कम हो गया टेम्परेचर कम हो गया। तो ये भाई साहब खुश होके इसने बोला कि आई एम इन कंफर्टेबल जोन। तो ये हमने बोल दिया कंफर्टेबल जोन में है हम। इसने ये बोल दिया, बात थोड़ी समझ आई। तो ये कंफर्टेबल जोन में आ गया, आराम आ गया इसको, लेकिन बाहर का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। तभी तो बेचारे जो जिनके पास एसी नहीं है उनकी तरफ मुंह हो रखा होता है, इस तरफ एक लगा होता है, आपने देखा होगा कि यहां पे हम देखेंगे एक पार्ट लगा होता है, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, एक पार्ट लगा होता है जो हीट छोड़ रहा होता है, ये पार्ट लगा होता है, और एक हमारे पास जो पार्ट होता है वो यहां होता है जो हीट को उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, हीट को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। तो हम हीट उठाते हैं और बाहर फेंकते हैं। इतनी सी अगर आपको बात समझ आ गई तो आपका ये सब्जेक्ट जो है इजी हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा अगर आपने इतनी सी बात समझ ली। ये मैं बात जो है बहुत कम लोगों के साथ डिस्कस की है इस तरह से। देखो कुछ बच्चों का ये होता है कि सर आपने पिछले साल जो पढ़ाया वही है क्या, मैं आपको चीज बताता हूं, डिफरेंस टीचर में बहुत आता है। जो मैं खुद था आज से 2 साल पहले वो मैं अब नहीं हूं, मैं भी बहुत सारी चीजें दिन ब दिन सीखता जाता हूं, नई नई चीजें। अब ये इस तरह से अगर आप सोचोगे कि हीट उठाई और बाहर फेंकी, तब आपको समझ आने लग जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या हो जाएगा, हीट को उठा के बाहर फेंकना। तो हमारे पास हीट जो है वो मेन चीज आ गई, हीट। अब देखो हीट एनर्जी और टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखो हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, ये क्या क्या लिखी जा रहे हैं, ओके चलो सब कुछ होता है बेटा, सब कुछ होता है, लेकिन बच्चे देखो अगेन बार बार कहूंगा मैं आपसे, एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सब बच्चों से कि बच्चे देखो सिर्फ जेई के लिए मत पढ़ो, मैं आपको बताता हूं, मेरी रिक्वेस्ट मान लेना, आपने नॉन टेक्निकल एग्जाम भी देने नहीं बंद करने, आपने नॉन टेक्निकल देनी है साथ साथ। नॉन टेक्निकल दोगे तो उसका एक दो बेनिफिट बड़े मेन फायदे रहेंगे, नॉन टेक्निकल एग्जाम कभी मत छोड़ो। अगर नॉन टेक्निकल क्लियर हो जाता है तो
तो बहुत अच्छी बात है, हमें जॉब मिल गई। अगर नॉन टेक्निकल क्लियर नहीं होता, जैसे मैं कोई कह दूंगी पोस्ट ऑफिस में जॉब आई है, कभी कहीं जॉब आई है, ठीक है, वहां पे क्लरिकल की जॉब है, बैंक में है, आपने उसका जो एग्जाम दोगे ना, उसका जो एग्जाम दोगे उसका फायदा हमें जेई के एग्जाम में भी हो जाएगा। तो इसलिए बेटा हमेशा अपना सेफ हैंड लेके चलो दोनों तरफ आप तैयारी, क्योंकि नॉन टेक्निकल करनी तो है ही बेटा, यहां भी करनी है, तो दोनों तरफ आप तैयारी रखो, नॉन टेक्निकल पेपर भी साथ में देते रहना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो हीट एनर्जी और टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या है ये देखिए। यहां पे मान लीजिए एक मैं एक चीज बताता हूं सिंपल सी, एक यहां पे एक बाल्टी पड़ी है पानी की, बकेट है, पानी उसके अंदर पानी है, यहां पे बकेट है और गर्मा गर्म पानी उसके अंदर है, ठीक है, उसके अंदर है। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ पानी निकाला, इसमें से पानी निकाला कुछ, और एक छोटे मग में भर लिया, एक छोटे मग में भर लिया कि इसमें डाल लिया वो वाला पानी, ठीक है, इस मग में मैंने पानी डाल लिया, अभी अभी निकाला है ताजा, वो जल्दी जल्दी से निकाल लिया। एक चीज नोट करो, क्या इसके पास टेम्परेचर, अगर मैं मान लीजिए मैं इसका बोलता हूं कि टेम्परेचर है इसका 50 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री, तो इसका भी 50 डिग्री होगा। लेकिन भाई साहब हीट एनर्जी इसके पास ज्यादा है, हीट एनर्जी इसके पास ज्यादा है, ना कि इसके पास, हीट एनर्जी इसके पास ज्यादा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। हीट एनर्जी की वैल्यू होती है कि इसके पास कितनी है, तो हीट एनर्जी इसके पास ज्यादा है, इसके पास हीट एनर्जी कम है, हीट एनर्जी कम है। एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये कुछ इस तरह से लगा सकते हो बेटा कि हमारे पास, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको ना पैसों में बड़ी जल्दी समझ आता है, इंसान हो भाई साहब, आपको उनसा जानवर हो, आप भी इंसान हो, आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा कि इसके अंदर ये बाल्टी बड़ी बड़ी बाल्टी है और इसके अंदर नोट पड़े हैं 50-50 के, इसके अंदर नोट पड़े हैं 50-50 के, ठीक है, 50-50 के, ये 50-50 और ये बाल्टी जो है वो बड़ी पड़ी है और इसके अंदर भी 50-50 के नोट है, तो भाई साहब आप कौन से चीज उठाओगे, आप कहोगे सर मैं तो इसको उठाऊंगा, मैं कहूंगा भाई 50 के नोट चाहिए, 50 का नोट तो इसमें भी है, नहीं नहीं 50 के नोट की बात नहीं है, 50 के नोट कितने हैं ये मेन बात है। तो हीट एनर्जी और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस के कारण हम समझते हैं हीट एनर्जी क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो हमें हीट एनर्जी की वैल्यू को कम करना है, लेकिन अगर हम हीट एनर्जी कम कर देते हैं, धीरे धीरे हीट एनर्जी जितनी कम होती रहती है उतनी धीरे धीरे टेम्परेचर भी डाउन जाता रहता है, बात समझ रहे हो। अब अगर यहां पे भी और यहां पे भी हीट एनर्जी इसके पास भी कम है, इसके पास भी कम है, लेकिन ये ट्रांसफर होगी, हीट बाहर जाएगी तो टेम्परेचर भी डाउन जाएगा, टेम्परेचर भी डाउन जाएगा। यहां तक बात समझ आएगी, यहां तक बात समझ आएगी कि नहीं, यहां तक अगर आ गई है तो आगे भी समझ आ जाएंगी बातें। तो हमें क्या करना है, कंफर्टेबल जोन में लाना है इंसान को। देखो बेटा अगर आपने इन चीजों को समझना है तो आपको क्या क्या समझ आया होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब जो जो बेसिक बातें हैं, जो जो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ी है वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर वो बातें याद नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको एंथैल्पी पता होनी चाहिए क्या है, आपको एंट्रोपी पता होनी चाहिए क्या है, अगर आप इन चैप्टर के अंदर एंटर करना चाहते हो, आप इन चैप्टर सब्जेक्ट को समझना चाहते हो, ठीक है, बातें समझ रहे हो। हीट के बारे में, फोर्स के बारे में, ठीक है, हीट के बारे में पता होना चाहिए, फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए, जो क्या होता है, बेसिक पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, बेसिक होता है। ये नहीं पता तो भाई साहब आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए आपको कह रहा हूं बेटा, आपने जिन्होंने भी एसएससी जेई का कोर्स ले रखा है, फिजिक्स पहले करो, फिजिक्स पहले करो, फिर आप थर्मोडायनेमिक्स करोगे, ठीक है, थर्मो करोगे, थर्मो के बाद आप आईसी इंजन करोगे, आईसी इंजन के बाद पावर प्लांट करोगे, फिर आओगे आरएसी के ऊपर,
आपने उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं वैसे करना है, अगर करोगे उल्टा पुल्टा कोई फायदा नहीं। और फिजिक्स तो 100% करनी ही करनी है, अगर नहीं करोगे तो आप पंगे में पड़ सकते हो। अब बात आ जाती है बेटा, देखो ये बातें शुरू कहां से हुई, ये हुई भाई साहब राजे राजे महाराजों से। हमें लग रही है बेटा गर्मी, और राजे महाराजे कहते भाई साहब मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, कुछ भी करो हमें चाहिए। उनको ये पता लग गया कि ये जो ड्रिंक्स होते हैं ना, देखे होगा मूवी में देखा होगा या अपने नाटकों में देखते हो, राजा जी बैठे हैं उनके लिए शरबत आ रही है, और शरबत अगर ठंडी ठंडी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ पुराने लोगों को कि ठंड किए जा सकती है, हम ठंडक पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा टाइम रहा हो बेटा कि राजाओं को आराम दिलाने के लिए उनको बर्फ ला ला कर दी जाती थी, पैक कर कर उनको अच्छी तरह से बंद कर कर, कहीं ये बर्फ पिघल ना जाए, ऐसा ऐसा इन्होंने आइडियाज लगा रखे कि राजा जी को बर्फ चाहिए तो राजा जी को बर्फ ला के दी जाती थी। ऐसा ऐसा भी टाइम रहा है, राजा भाई एक गिलास के लिए वहां लाखों हजारों लोग लगे हैं, भाई साहब यहां से बर्फ लानी राजा जी के लिए, राजा जी के एक गिलास के अंदर आ, और वहां वो अपना राजा जी डांस देख रहा है ना, तो वो आराम से बैठे होते हैं, ये ठंडा ठंडा गर्म है क्या। जिस दिन आपको ये पता लग गया तो आपको सारा दिमाग खुल जाएगा, अच्छा गर्म किसे कहते हैं, ठंडा किसे कहते हैं। गर्म जिसके अंदर हीट एनर्जी है, ठंडा जिसके अंदर हीट एनर्जी नहीं है। देखो अगर हम बात करें तो बेटा देखो हमारे पास सिंपल सी चीज है, मैं यहां पे बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास आइस है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, आइस है। आइस को अगर आप गर्म करोगे ना, आइस को आप गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पानी। ठीक है, आइस जो है अगर आप गर्म करोगे ना तो नेक्स्ट उसका पार्ट आ जाता है कि वो पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा और वो वाटर बन जाएगा। और अगर आप वाटर को गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वेपर, स्टीम बन जाएगा, मतलब गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारे पास सॉलिड लिक्विड और गैस, तीन पार्ट होते हैं। तो आपके पास ये गर्म करोगे तो हमारे पास स्टीम बन जाएगी या वेपर्स बन जाएंगे, ऐसे बोल देते हैं। तो इसको गर्म करोगे तो हीट दी, हीट देने से इधर गया तो हीट छीनने से ये इधर आ जाएगा। ये क्या किया हमने, आइस को जब हमने हीट दी तो ये पानी बन गया, पानी को हीट दी तो ये हमारे पास स्टीम बन गया। लेकिन भाई साहब अगर उल्टा कर दें कि हीट छीन लें तो हीट छीनना ये मेन मकसद हो जाएगा हमारा। जब स्टीम में से हीट छीन लेते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, हीट यहां से छीन लेंगे कि बाहर निकल हीट, जब हीट निकल जाएगी तो ये वापस से पानी बन जाएगा, और पानी में से हीट छीन लोगे तो वो आइस बन जाएगा। तो ये यहां से यहां और यहां से यहां चलता है। तो हमारे पास मेथड जो है वो इस तरह से चलेगा, बात थोड़ी समझ आएगी नहीं, इस तरह से चलेंगे तो ये सब्जेक्ट जो होगा इसी तरह से हमारा आगे बढ़ेगा और चीजों को हम समझेंगे। अब हम डेफिनेशंस और बुक की बातों में आते हैं कि बुक हमें कराती क्या है, बुक हमें समझाती क्या है। ठीक है, अभी तक की कहानी समझ आ गई, एक बार ओके लिख दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप जिंदा हैं, जाग रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पता लगे सो गए यहाँ पे। ठीक है, और सोना नहीं है, जागते रहना है, जागते रहोगे तो मुझे भी मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, ऐसे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके लिख दीजिए एक बार अगर आपको समझ आ गया तो। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू पवन विकास तिवारी जी, धन्यवाद। ठीक है, मो अर्श, ओके थैंक यू सो मच। ओके जी, नेक्स्ट चलें। ओके, इसको लिख दीजिए मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है बेटा, जब मैं आपको बार बार कहता हूं जब तक आपको कहानी नहीं पता ना कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, तब तक आपको कोई मजा नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। अब मैंने जितनी कहानी बताई वो डेफिनेशन में क्या होगी, उस डेफिनेशन को, ठीक है, उस डेफिनेशन को, द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी
डिफाइंड एज, और जो जो मैं लिखवाऊंगा उसको लिखना ही लिखना है आपने, ठीक है, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से हीट को रिमूव करना, ठीक है, सब्सटेंस टू बी कूल्ड, जिसको आप करना चाहते हो, टू बी कूल्ड एंड पासेस इट ऑन टू अदर सब्सटेंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैंने अभी तक कितनी बोला, इतना कुछ बोला, क्या बोला कि हीट को निकालो यहां से, ठीक है। देखो बेटा, आपके रूम में बहुत सारा यहाँ कचरा पड़ा है, ईटे पड़ी हैं, यहां बहुत कुछ पड़ा है, तो आप क्या करोगे भाई साहब, सिंपल सी बात, दो मजदूर लाओगे, आपको यहाँ खड़े हो, वो वहां से सामान उठा के फेंकता रहेगा, कहीं तो जाएगा ना, ये सब कुछ आपको दिखता है। प्रॉब्लम आती है हीट की, हीट दिखती नहीं है, ठीक है, हीट दिखती नहीं है, लेकिन हमें इंजीनियर्स को दिखती है, आम बंदे को हीट थोड़ी ना दिखती है। अब यार गर्मी, एसी चला, एसी का मतलब क्या है पता ही नहीं, एयर कंडीशन होता क्या, मतलब ही नहीं पता हमें। आपको जिस दिन एसी मजदूर लगने लग गया कि वो बेचारा आता है, अपना फावड़ा लाता है, यहां से हीट उठाता है और बाहर फेंकता है, बेचारा लगा होता सारा दिन, हीट चल बाहर, और यहां से कोई अनपढ़ आता है, दरवाजा खोलता है कमरे का और खुला छोड़ के चला जाता है। आपने दरवाजा खोल दिया ना रूम का, अभी हुआ क्या, आपने ये क्या किया, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस टू बी कूल्ड, जिसको आप ठंडा करना चाहते हो, वहां से हीट रिमूव करना चाहते हो, लेकिन भाई साहब हमारे पास अनपढ़ता की कमी नहीं है, अनपढ़ता की कमी कोई नहीं है, अनपढ़ता बहुत भर भर के है हमारे यहाँ पे, ठीक है, अनपढ़ता बहुत ज्यादा है। तो मैं बताता हूं किस तरह से अनपढ़ता है, ये देखो, ये मान लीजिए कि इस तरह से था, आपने यहां पे एसी को काम पे लगाया कि जिसने हीट उठाई, हीट को उठाकर बाहर फेंक रहा था, और यहां की हीट को क्या कर रहा था, कम कर रहा था, लेकिन एक भाई साहब आते हैं, ठीक है, एक अनपढ़ भाई साहब आते हैं, ठीक है, अनपढ़ का मतलब ये नहीं पढ़ा लिखा, ये मतलब पढ़े लिखे से रिलेटेड नहीं, अनपढ़ वो होता है कि जिसको दिमाग ना चल रहा हो, ठीक है। तो यहां से उसने क्या किया, ये दरवाजा खोल के चला गया। अब हीट को मौका मिल गया, हीट है बहुत ही खतरनाक, वो तो भाई भागेगी, वो कहां से भागेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर अपने आप। यहां पे आपने हीट यहां से निकाल के क्या कर दिया पता है, यहां का टेम्परेचर डाउन कर दिया एज कंपेयर टू यहां से, यहां का टेम्परेचर था अप, और हीट को मौका मिल गया, भागो अंदर, यस वी कैन अटैक इट, भागो इसके अंदर, वो भाग के अंदर, झू हीट, अरे लल्लू प्रसाद दरवाजा बंद कर जाता, खोल के चला गया, फिर उसको बंद कर दे, दरवाजा बंद जब हो गया, ओहो अब हीट अंदर आ चुकी है, फिर से एसी को लगाना पड़ेगा, एसी फिर से हीट उठाएगा, चल बाहर, एसी फिर से हीट उठाएगा, चल बाहर, तभी आपकी मम्मी फ्रिज खुला रहने पर आपको डांटती है, क्योंकि ये फ्रिज है, फ्रिज में हीट उठाता है वो, बाहर फेंकता है, तभी डाउन हो जाता है टेम्परेचर उसका। लेकिन हम फ्रिज खोला, पानी पी रहे आराम से, ला 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 ला, है ना, और पता लगे फ्रिज को खुला छोड़ के चले गए, मम्मी ने वहां से आई मम्मी की चप्पल और मारी तेरे मुंह पे, ये तुझे पता नहीं लगता फ्रिज खुला छोड़ गया, मम्मी पता नहीं लगा, ध्यान नहीं रहा, वो
उसको उसको पता है मम्मी को किसके अंदर हीट घुस जाएगी, हमें नहीं पता। हम तो कह रहे नहीं नहीं हीट क्या चीज है, हीट हमें दिख ही नहीं रही है। ठीक है, कितना हमें अगर हीट का दिखने लग जाए ना, हीट जा रही है, तो भाई साहब हम दरवाजा पता कैसे खोलेंगे एसी वाले कमरे का, ऐसे खोल के ऐसे निकल के जल्दी से बंद कर देंगे कि भाई बंद हो जाए दरवाजा, दरवाजा बंद हो जाए, नहीं तो इतनी से भी जगह से निकल सके ना हम कोशिश करेंगे जितने यहां से निकल लिए दरवाजा मत खोलिए, जल्दी से बंद कर दीजिए। ठीक है, कि हीट ना कहीं आर पार हो जाए। ठीक है, तो हीट जो है उसको समझो, हीट को समझो, बार बार कह रहा हूं, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को समझो। डेफिनेशन बनी कैसे है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट, रिमूव करना है हीट को फ्रॉम ए सब्सटेंस टू बी कूल्ड एंड पासेस इट टू द अदर सब्सटेंस, छोड़ो। ठीक है, और ये वही काम हो जाता है कि अमीर भाई साहब यहाँ पे बैठा होता है। ठीक है, ये वही काम हो जाता है यहाँ पे कि भाई साहब अमीर यहाँ पे बैठा होता है, गरीब बेचारा यहाँ बैठा होता है, वो अपनी हीट भी छोड़ छोड़ उठा उठा को उसको दे रहा है, ये ले तेरा क्या है, ये ले तेरा क्या है, ये ले तेरा क्या है, और बाहर बेचारा यहाँ पे चाय की रेडी लगा रखी है, ठेला रखा रखा है, उसके मुंह पे हीट फेंक रहा है, उसके मुंह पे हीट फेंक रहा है, और वो बुरा हाल में। अरे भाई मतलब नेचर ने, भगवान कह दे, नेचर ने या भगवान ने सबको सेम दिया टेम्परेचर, लेकिन भाई साहब हम पंगे लेते हैं, नहीं हम है अमीर, हम तो आपको, ठीक है, हम तो ज्यादा अमीर है, हम नहीं हीट रखेंगे, ले तू ले हीट, तेरे मुंह पे मारेंगे हीट को। ठीक है, तेरे मुंह पे हीट को मारेंगे, ये हम कहते हैं।